हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गर्मा गर्म चने के पकोड़े। तो देखिए मैंने किस तरह से बनाए। ये है हरे चने, मैंने घर पर ही इनको छील करके तैयार किया है। तो ये छील लिए हैं मैंने। काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, बट बहुत अच्छे बनते हैं इससे पकोड़े। और ये मैंने चने की दाल भिगो करके रखी है। एक कटोरी चने की दाल है, ये वाली कटोरी है। और इसमें मैंने लिया है हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, हरा धनिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, ये है अजवाइन। इन सभी को मैं अच्छे से पीस लूँगी, एक दरदरा सा पेस्ट बनाऊँगी, बारीक वाला नहीं। उसके बाद चने भी इस तरह से दरदरे पीसेंगे। देखिए कुछ चने इसमें रह जाएंगे, कुछ आधे होंगे इस तरह से। और इस पीस करके मैंने रख लिया है। अब मैं पीसूँगी चने की दाल जो मैंने भिगो करके रखी थी। तो देखिए इस तरह से इसे भी दरदरा कर लिया है मैंने। कोई भी चीज़ मैंने बारीक नहीं की, ये देखिएगा। अब इसमें मैंने डाला है हींग, धनिया पत्ती, नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अब हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसे काट करके ही लूँगी। तो मेरे पास दूसरा कटा हुआ पड़ा है, मैं उसी से 2 चम्मच जूस इसमें डालूँगी। जूस डालने के बाद में हम इसमें या तो आप मीठा सोडा डाल सकते हैं, या जो पापड़ खारा आता है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाला है 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने पीसते टाइम थोड़ा पानी ऐड किया था इसमें, इस वजह से थोड़ा गीला गीला सा है। तो इसमें आप बेसन मिला सकते हैं। बेसन थोड़ा दरदरा जो होता है, बारीक वाला नहीं, दरदरा वाला, वो ऐड करना है इसमें। अगर आपके पास दाल नहीं है या आप दाल पीस करके यूज़ करना नहीं चाहते हैं, चने की जो दाल हमने यूज़ करी है, तो आप उसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसे मिक्स करेंगे और अब हम तेल गरम करके इसके गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए हम तेल गरम रख देते हैं। तेल गरम हो चुका है तो इसमें मैं पकौड़े बना लेती हूँ। देखिए आप अगर चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ का स्वाद अलग ही आता है। तो हो सके जब तक हाथ से ही बनाएं। और बिल्कुल कम आंच पर इनको तलना है, क्योंकि ये इनमें हमने ज़्यादा चने यूज़ करे हैं। 1% चने की दाल ली है और 3% इसमें हमने हरे चने लिए हैं। तो एकदम तेल में जाने के बाद वो जल सकते हैं। तो इन्हें हमें धीरे धीरे कम आंच रख कर के ही पहले तलना है। उसके बाद आपको लगे कि हाँ 50% हो चुका है, उसके बाद आप आंच तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बनाएंगे और एकदम करारे से बनेंगे इस टाइप से बनाने से। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करें, और जैसे ये पकने लगते हैं ना, इसका कलर चेंज होता जाता है। ये थोड़ा मतलब इस तरह से डार्क टाइप, डार्क डार्क सा हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो ये बन चुके हैं, चलिए हम प्लेटिंग करेंगे। गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो इसे हरी मिर्च की चटनी या सॉस जिसके भी साथ आप खाना चाहे खा सकते हैं। और सर्दियों में हरे चने तो बहुत मिलते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग।